प्रेस्टीज मीडिया से मैं हूँ कौशिकी और अभी चल रहा है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में थर्ड प्रेस्टीज सिनेविजन फिल्म फेस्टिवल 2019 जो कि ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में और आज हमारे साथ वेरी ओन इंडियन एक्टर एंड प्रोड्यूसर राजा बुंदेला सर हैं. वेलकम यू सर. सर जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने ऑर्गेनाइज किया है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है सुपरविजन भी फैकल्टीज भी. तो फिल्म फेस्टिवल में अभी तक की आपकी जो भी जर्नी थी या इंदौर आकर के आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपको बधाई कि तीसरी बार इंदौर आपका स्वच्छ शहर घोषित हुआ है. सबके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए बधाई. और मेरा मानना है कि सिनेमा को हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा. जहाँ जहाँ जिन बड़े बड़े नगरों में और बड़े बड़े शहरों में सिनेमा ठहर गया वो उस सिनेमा का विकास भी ठहर गया है. वो चंद लोगों के लिए बनते हैं, मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज होती हैं और 500-600 रुपये की टिकटें होती हैं जो आम आदमी से वंचित होते हैं. उसके लिए ये पहल इस तरह से छोटे छोटे फेस्टिवल हो, सिनेमा के बॉम्बे के लोग आए, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, पंजाब से आए और सिनेमा पे अपनी राय रखें तो यहाँ के लोगों को सीखने को मिले. तो ये अद्भुत और बढ़िया पहल है. इसके लिए आपको प्रेस्टीज ग्रुप के लिए इंस्टीट्यूट के लिए हम बधाई देते हैं और आप सब स्टूडेंट्स से मिलकर किया ये अच्छी बात है. बहुत प्रोफेशनल अप्रोच है और इट्स अ वेरी गुड बिल्डिंग. तीसरा साल है मुझे लगता है कि आने वाले दो साल में ये सब भी समथिंग बचने भी इंटरनेशनल भी इमोशनल होंगे. सर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं. खजुराहो एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर आपने टपरा टॉकीज का कंसेप्ट लेकर के आए, तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में किस कहाँ से आया? हम लोगों ने जब फेस्टिवल शुरू किया तो ये मान के चले थे कि फाइव स्टार होटल्स के जो हॉल होते हैं जो शादी ब्याह के लिए देते हैं हम उन्हीं में अपना LED लगा के किसी तरह से सर्वर रख के फिल्में दिखाएंगे. क्योंकि फेस्टिवल खजुराहो फेस्टिवल इंटरनेशनल हम आम जनता के लिए कर रहे थे. हमने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा था कि बाहर से लोग आएंगे वही फेस्टिवल चलाएंगे और वही देख के लौट जाएंगे. हमारा मकसद ये था कि बाहर से लोग आएँ और जनता से जुड़े और जनता उससे सिनेमा से जुड़े. पहली बार जब हमने हॉल में शुरू किया तो आम आदमी को मालूम तो चल गया था कि फिल्म फेस्टिवल है लेकिन कोई भी आम आदमी फाइव स्टार होटल के अंदर नहीं घुस पाया क्योंकि फाइव स्टार होटल के अंदर घुसने में अजीब सा एक माइंडसेट है और फिर हॉल और भी अंदर होता है. अगर आपको पता होना स्कूल सब्सिडेंट का पहले साल मुझे लगा कि कहीं हम लोग से चूक हो गई और हमने फैसला जल्दी में लिया और ये दूसरे साल हमें लगा. मुझे मैंने अपनी टीम से बात की, आप बहुत बच्चे रहे होंगे और शायद तब पैदा भी नहीं होंगे. टूरिंग टॉकीज हमारे ज़माने में होते थे, एक गांव से बड़े कस्बे से 8-10 दिन की फिल्में दिखाते थे. वो सुपर 16 की वो उनके पास होती थी मशीन, वो दिखाते थे और 8-10 दिन दिखा के गाँव के लोगों को मनोरंजन करके दूसरी जगह चले जाते थे और वो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता था उनका. आए, तंबू लगाया, अपनी कुर्सियाँ डाली और फट्टे बिछाए, कुर्सियों वालों का 1 रुपया और फट्टे के 50 पैसे. तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये ट्राई करूँ. प्रयोग के तौर पर हमने 2 टपरा टॉकीज बनाए, एक लोकल लोगों के आप जैसे स्टूडेंट्स और फिल्म मेकर के लिए और एक मैंने बाहरी फिल्म मेकर के लिए. अल्टीमेटली हर्ष हुआ, शायद दूसरी बार अजीत जी भी थे हमारे साथ, कि हर आदमी अपनी फिल्म टपरा टॉकीज में ही लगाना चाह रहा था और होड़ मच गई. एक अमेरिका की फिल्म थी सोल, उन्होंने फिर टपरा टॉकीज में लगाई. फिर अल्टीमेटली हम लोगों को टपरा टॉकीज एक्सेप्टेबल हुआ सबको और पिछले उसमें हमने खजुराहो में 2 की जगह 5 टपरा टॉकीज खजुराहो में लगाए. 3 खजुराहो के बाहर आउट स्टेशन में लगाए छोटे छोटे गाँव में. एक गंज करके गाँव है उसके बीच मार्केट में लगाए, एक बमीठा करके जगह है जब खजुराहो आप जाएंगी वहाँ लगाए और एक हमने आदिवासियों के लिए लगाया. तो एक साथ हमने 8 टपरा टॉकीज रन किए और एक पन्ना में थिएटर था उसको हमने हायर किया और 2 छतरपुर में मल्टीप्लेक्सेस थी. तो हमने 11 थिएटर 7 दिन लगातार 3-3 शो किए.
सो हमने डिसेंट्रलाइज, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक व्यवस्था को अगर आप इधर उधर करते रहेंगे तो वो व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती है, लेकिन एक ही जगह होगी तो उसमें सड़ान आने लगती है और वो बिगड़ने लगती है। और आज आप देखिए टपरा टॉकीज हमारे कम से कम बुंदेलखंड में हर फंक्शन में एक टपरा टॉकीज लग जाता है। यही कड़ी फिर हमने ओरछा में की, ओरछा में हमने लोकल लेवल पे हमने एक फेस्टिवल रखा जो विद्यार्थियों के लिए नए फिल्म मेकर के लिए एक प्लेटफॉर्म था, और अब हम देवगढ़ में कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है सर सभी फिल्म मेकर का बडिंग आर्टिस्ट के लिए। सर अगला सवाल मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि आखिरी को मैं इतना खराब बोल नहीं नहीं एक्चुअली चलिए ठीक है मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं नहीं नहीं प्लीज मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इतने टाइम से बॉलीवुड में हैं और आप अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे यूथ और ऐसे यंगस्टर हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, तो ऐसा क्या बॉलीवुड अपील करता है उनकी एक्टिंग में कि वो प्रॉपरली अभी एक्टिंग इंडस्ट्री में घुस नहीं पा रहे हैं, जो चाहते हैं कि कितने ही सारे हैं बॉम्बे में जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज होगा? देखिए जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपके इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं कल मैं उनसे मिला, बुजुर्ग जो 83 साल के हैं, नामवर जैन एन एन जैन उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो मैं आज ही पढ़ी, कल ही उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कोई सक्सेस नहीं और कोई फेलियर नहीं, कोई काम चुनौती नहीं और कोई काम मंजिल नहीं। वो ज़रा पढ़ लीजिए, इतना बड़ा संदेश है। और आप सब लोगों को आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जितनी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त हैं सिनेमा में जाने के लिए, हमारे ज़माने में थी नहीं। हमारे ज़माने में केवल एक दूरदर्शन हुआ करता था और बामुश्किल तमाम उस दूरदर्शन में अगर साल में एक आध बार कोई रोल मिल गया आपको ड्रामा में तो आप बड़े लकी माने जाते थे और पूरे मोहल्ले में चर्चा होती थी। क्या और कहीं कोई एवेन्यू था ही नहीं, कहीं कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। फिर बहुत लंबे समय बाद जेनिफर और सुशी कपूर जी ने पृथ्वी थिएटर बनाया तो हमें एक्टिंग के लिए थिएटर मिला। बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं एक आध थिएटर में काम मिलता था, तो इतना दुर्गम था, इतना कठिन था। अगर रोल भी मिलते थे तो कब रिलीज होगी, छोटा रोल था। आज के आयाम बदल गए, एक बटन पे आप 100 चैनल देख रहे हैं और उसमें भी अपॉर्चुनिटी आपकी वेब सीरीज है, आपके सीरियल है, आपकी रीजनल फिल्में हैं, आपकी हिंदी फिल्में हैं और आप खुद के लिए भी आप फिल्में बना सकते हैं। तो जो लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है या तो उनको उनमें टैलेंट नहीं या फिर उनमें अपने पर भरोसा नहीं। अदरवाइज इट्स अमेजिंग, आप देख लीजिए, आप नवाजुद्दीन अभी जैसे आए हैं, उनके तो कोई गॉडफादर नहीं थे, इरफान का कोई गॉडफादर नहीं था, उसके पहले की पौध उठा के देख लीजिए। तो जिस आदमी में लगन है, मेहनत है और अपने टैलेंट पर भरोसा है, इस वक्त स्काई इज द लिमिट। लेकिन वो काम मिलेगा भी और उतर भी जाएगा अगर आप में ताकत नहीं अपने आप को होल्ड करने के लिए, क्योंकि जो दिखेगा जो वही बिकेगा और बिकेगा वही जिसमें बिकने का सामान होगा। सो इट्स वेरी इजी, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कभी ना जाएं जहाँ पे आप माँ बाप की गाड़ी कमाई लाखों में देके एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं हम आपको शाहरुख बना देंगे सलमान, कोई आपको शाहरुख सलमान नहीं बनाएगा। गवर्नमेंट के नए इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें आप ट्रेनिंग लीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको प्रॉपर वे शेपअप करती है और फिर आप जाइए, फिर आप काम कीजिए। कैसे काम नहीं मिलेगा, खूब काम मिलेगा, एवेन्यूज है, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का जो होगा जरूर आपको मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सर ने कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क मैटर करता है हर जगह पर। और अभी आपने कहा कि काफ़ी डिफिकल्ट था आपके ज़माने में एंटर करना, तो आपने जब बॉलीवुड में एंट्री ली थी तो वो कैसे, आप बुंदेलखंड से निकल करके कैसे बॉलीवुड तक पहुँचे? हम तो ये मान के ही चले थे कि जब यही था तो मुंबई ही में रहना था, लेकिन परिवर्तन के दौर शुरू हो रहे थे उस वक्त। टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न हुआ, फिर दूरदर्शन के 6 सीरियल शुरू हुए, फिर जी आया, तो धीमे धीमे ओपनिंग हमारे लिए शुरू हो गई थी। लेकिन वो ओपनिंग बहुत रिस्की थी क्योंकि सिनेमा में गए, टेलीविज़न में गए, अगर काम फेलियर रहे तो फिर सिनेमा आपको छुएगा नहीं, इस तरह का था। उस तरह ये तय हो गया था ये सिनेमा का एक्टर है, ये टेलीविज़न का एक्टर है, ये थिएटर का एक्टर है, अब वो बाउंडेशन खत्म। और जहाँ आपने बात कही, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ट्रेंड एक्टर हूँ, अपना इंस्टीट्यूट भी गया हूँ, तो उतना तो मुझे मालूम था कि अगर एक बार काम मिलेगा तो मैं अपना कहीं ना कहीं एक मकान, एक छोटी बूढ़ी जो पहचान होगी वो होगी।
और ऊपर वाले ने दिया, लेकिन संघर्ष बहुत है, बहुत टफ है। एक मोटा सा उदाहरण यह है कि एक खचाखच ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में आप घुस रहे हैं जिसमें एक इंच भर की जगह नहीं है, ऑलरेडी मच मच मची हुई है, लोग एक दूसरे के ऊपर है, और आपने भी सपना देखे तो वहीं जाना है, तो आपको कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए और कितने टैलेंट होना चाहिए, या आपको खुद आगे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर एक काम के लिए 100 लोग खड़े हैं और सब टैलेंटेड हैं, पूरे बॉम्बे से, पूरे हिंदुस्तान से छन के बॉम्बे पहुँचते हैं, और उसी में से आपको जगह बनानी है, तो यू हैव टू टेक ए कॉल हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव टू पुट। हम लोगों ने किया है, हम लोगों को अब तो खैर सीरियल में डायलॉग भी केवल सीन के मिलते हैं, हमें पूरी स्क्रिप्ट मिलती थी, अपने को एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन मिलता था, वो एक्टर के साथ अपने डायलॉग की रिहर्सल मिलती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। अब अमिताभ बच्चन पहले हमने जब मैं आज़ाद की तो वो खुद क्यू देने के लिए खड़े होते थे, अब वो आप पिलर में, कटर में, लाइट में आप क्यू मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करके ये नहीं लगता कि कामयाबी आपको रुकेगी। मेरे ख्याल से ज़माना बदल रहा है और उसके साथ ही मेहनत का जो पैरामीटर है वो भी बढ़ रहा है। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जानती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिला है उन्हें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। दिस इज कौशिकी विद कैमरा पर्सन कबीर वर्मा। थैंक यू। थैंक यू।